दरअसल नहाए खाए के दिन जो होता है ना, कुछ खास नहीं होता है बस, लेकिन बहुत खास होता है। छठ का आरंभ होता है और फिर उस दिन बस स्नान करके खाना रहता है। उस दिन स्पेशली सभी के घर में आपको कद्दू का सब्जी जरूर मिलेगा। तो वही होता है, नहा के नाखून वाखून वगैरह काट के उसके बाद खाया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज शुरू हो गए हमारे महापर्व के दूसरा दिन, जिसे हम लोग खरना कहते हैं। तो आज के दिन क्या होता है, जो भी व्रती महिला होती है तो वो उपवास रखती है पूरे दिन उपवास रखती है, और फिर शाम में सूर्य सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाती है। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर वो खुद खाती है। आज का मौसम है कितना सुहाना, हमें तो क्या, हमें तो ब्लॉग है बनाना। तो फाइनली आ गई है हमारी ऑटो और फिर हम लोग जाएंगे गांव, क्योंकि हमारा जो छठ होता है वो गांव में ही होता है। तो निकलते हैं गांव। यहाँ से आपको दो रास्ता दिख रहा होगा, एक जो लेफ्ट के तरफ है वो बेगूसराय की ओर चला जाता है, और राइट की तरफ है वो गढ़पुरा की ओर चला जाता है। तो हम लोग फिलहाल गढ़पुरा की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा घर उधर से ही होके जाता है। तेरा बाप। दिस इज माई हाउस। आज के दिन आपको साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। गांव में आपको अधिकतर घर वैसे मिट्टी के ही मिलेंगे, लेकिन अलग बात है आजकल टाइल्स मार्बल तो उसकी अलग बात है। तो मिट्टी के घर होते हैं, उसमें निपाई पुताई होती है और फिर गोबर से निपा जाता है। उस दिन पूजा के जितने भी सामग्री होते हैं, चाहे वो एक पकवान बनाने का बर्तन भी क्यों ना हो, वो जूठे हाथों से या फिर गंदे हाथों से नहीं छुआ जाना चाहिए। तो फाइनली अभी होगी इस सब की सफाई। तो फाइनली अब हम जाएंगे गेहूं पिसाने के लिए और फिर चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मिल पे और हमारी गेहूं पिस रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बर्तन की हो गई है बिल्कुल सफाई। ये जो आप केला का पत्तल देख रहे हैं, इसका दरअसल प्लेट बनाया जाता है। मतलब वैसे नॉर्मली घर वाले प्लेट होते हैं, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए इसी पत्तल का इस्तेमाल किया जाता है आज के दिन। तो अब शुरू हो गया है पकवान बनना, और फिर अभी रोटी बनेगा और फिर खीर बनेगा, उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर जो भी व्रती महिला है वो खाना खाएगी। मतलब उसके बाद फिर प्रसाद को बांटा जाएगा। तो अभी समय हो चुका है 7 और पूजा हो गया है स्टार्ट। तो जो भी व्रती महिला होती है, जो भी कबूलती है कि 2 सूप चढ़ाना है, 3 सूप, 4 सूप, तो उसी के अनुसार जितना सूप का कबूलनामा रहता है उतने जगह पे भगवान को भोग लगाती है। नाउ पूजा इज गोइंग टू बी ओवर। नाउ इट्स टाइम टू पेट पूजा। तो आज के दिन जो भी पूजन की सामग्री होती है उसको बनाया जाता है और फिर शाम में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो फाइनली अब तैयार हो चुकी है पूजा की थाल। जो भी सूप होते हैं उसमें बहुत सामग्री होती है, जैसे कि पूरी, सेव, केला,
लरू वैसे ये चीनी का बना हुआ होता है, कुछ पानी फल और फिर अनानास, खीरा और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ें होते हैं इसमें। तो फाइनली डाल आना चालू हो गया। देखिए, ये हमारे मोटा भाई, इनकी मुस्कान देखो। और ये हैं व्रती महिला, हमारी भाभी। जो भी व्यक्ति डाल को लेके घाट तक जाते हैं वो बिल्कुल नंगे पहुंच जाते हैं। तो हमारे यहाँ की ये पुरानी संस्कृति है कि किसी भी पूजा पर्व पे ढोल झाल मृदंग बजाने की, तो हमारे गांव के जितने भी आदमी हैं तो वही सब ये बजाते हैं। तो फाइनली वो समय आ गया जिसका हमें था इंतजार। संध्या की अर्घ हो गई है ख़त्म और सभी अपने अपने डाल लेके अपने घर की ओर जाते हैं। हमारे गांव के वार्ड सदस्य पिंकेश जी, तो आज छठ पूजा का चौथा दिन है, सुबह का अर्घ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मस्ती से धूमधाम से छठ मना रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको सुबह सुबह घाट का दर्शन करवाता हूँ, नज़ारा दिखाता हूँ कैसे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूर्योदय नहीं हुआ है, एकदम आसमान लाल है और फिर पूजा आरंभ होता है अभी। तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। Thank you.
तो सूर्य देवता का हो गया है आगमन, जिसका सभी को इंतजार था, और अब सभी पूजा करके पूजा को संपन्न किया जाता है अभी के समय में। Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo. हर साल की तरह लेट इन। तो फाइनली पूजा हो गया है ओवर, और सभी अब अपने अपने डाल को लेके घर जाएंगे, और फिर जो व्रती महिला होती है आज जाके अपना उपवास तोड़ती है, खाना खाती है, प्रसाद बांटती है, और फिर हम लोग में एक रीति रिवाज होता है कि अपने परिवार को प्रसाद पहुंचाया जाता है। जैसे हम लोग अपने दीदी के ससुराल प्रसाद पहुंचाने के लिए जाते हैं, और फिर फूआ के घर प्रसाद पहुंचाने के लिए जाते हैं। हमारे गांव के सभी वरिष्ठ आदमी जैसे पापा, चाचा, भैया। ओह, यू सी दिस गाय? सी दिस गाय? नंबर वन बुलशिट गाय। ही डू द वी वू। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात। हेलो एवरीवन, तो छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे कर रहे हैं समाप्त। यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।